स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करना होगा। तो आइए वो सारे बेसिक टर्म्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट बेसिक टर्म है वो आपका है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने की जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया वो डेफिनेशन यहां पर मेंशन भी कर दिया है। अब इसके बाद समझिए, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। अब ये एल और ए क्या है, इसको समझिए। स्मॉल एल यहां पर लेंथ है और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रिक वायर के कंडक्टेंस की बात करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब लेंथ बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। वही ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़े, इसकी मोटाई बढ़े, तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। ये रिलेशन हमने देखा कि ये एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें और इक्वल का साइन लाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट आता है रो, और यहाँ रो होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टिविटी क्या है अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब आते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को समझने के लिए, रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तभी इसके डेफिनेशन को हम सही से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, एल और ए सेम है मान लिया हमने, ठीक। लेकिन दोनों का मटेरियल अलग अलग है। हमारी एक जो इलेक्ट्रिक वायर है वो बनी है कॉपर की, और दूसरी जो इलेक्ट्रिक वायर है वो हमारी बनी है एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल ए सेम है बट मटेरियल अलग है, एक कॉपर की है और एक एल्यूमिनियम की है, ठीक है। तो दोनों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, दोनों ही वायर जो है हमारी वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करेगी ही करेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा कि दोनों में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, जो टेंडेंसी है, क्या दोनों में बराबर बराबर होगा? क्या जितना कॉपर की वायर करंट के फ्लो का अपोज कर रही है उतना ही एल्युमिनियम का भी करेगा? नहीं, दोनों का अलग अलग होता है। जो एल्युमिनियम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर के कंपेयर में, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक। तो हमने ये देखा कि दो अलग अलग वायर थी, डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई, उनका लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया सब सेम था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस को अलग अलग अमाउंट में ऑफर कर रहे हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। एक में रेजिस्टेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, दूसरे में रेजिस्टेंस करने की टेंडेंसी कम है ना, ये हमने समझा। अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन। तो किसी भी सब्सटेंस में रेजिस्टेंस को ऑफर करने की टेंडेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है ना। तो कोई भी सब्सटेंस जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं।
रेजिस्टिविटी टर्म इसलिए लाया गया ताकि हम बता सकें कि इस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस इतना है, इस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस इतना है, इसका इतना है, कॉपर का इतना है, एल्यूमिनियम का इतना है, सिल्वर का इतना है, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। रेजिस्टिविटी देख करके हम समझ सके कि किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसमें रेजिस्टेंस कम है, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, कौन रेजिस्टेंस को कम ऑफर करेगा, ये समझाने के लिए ये टर्म लाया गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की वही डेफिनेशन मैंने यहां मेंशन कर दी कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर ए यूनिट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने रिलेशन R और रो के बीच डेवलप किया ही था, हमें पता था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसी रिलेशन से हम रो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, जो हमारे रो की यानी कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। अब आते हैं हम हमारे थर्ड टर्म में, नेक्स्ट टर्म में, जो की है कंडक्ट। कंडक्टेंस में आपको बता दूं, कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल है, समझ रहे हैं? कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल का ही, सॉरी, वो आपके रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये उसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी सब्सटेंस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कंडक्टेंस कम होगा। कंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, जहां पर ये अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो वही ये क्या है, ये है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है कि किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा उसके अंदर ये टेंडेंसी होगी, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, है ना, उतना ही कम होगा। अब जब हमें ये पता ही चल गया है कि ये इसका रेसिप्रोकल है तो हम इसके लिए आराम से फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो हमने कर लिया, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और हमें पता है कि ये आर का रेसिप्रोकल है तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर। अब हमें पता है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने आर की जगह पर ये सारी चीज वैल्यूज पुट कर ली, पुट तो कर ली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए अपॉन एल हमारा एज इट इज रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो वन अपॉन रो होता है वो इक्वल होता है एक नए टर्म के, जो कि है कंडक्टिविटी, जो कि क्या है, कंडक्टिविटी। ये वन अपॉन रो जो होता है ये हमारा होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, वन अपॉन रो इज इक्वल टू होता है कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या है अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कंडक्टेंस की यूनिट देख लेते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर सीमेंस, ठीक है, जो कि मैंने यहां मेंशन कर दिया है। अब आइए बेटा समझ लेते हैं कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी आपका रेजिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो क्या करेगा, उतना ही कम कंडक्टेंस ऑफर करेगा, है ना। अगर हमें रेजिस्टिविटी ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो कंडक्टिविटी हमें क्या बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस हमें कितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा। तो जहां रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी वहां पे उसका रेसिप्रोकल है तो कम होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखते हैं रिलेशन, देख लेते हैं कि रिलेशन मतलब अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ ऑलरेडी हम जी और कप्पा के बीच एक रिलेशन डिराइव कर चुके थे, तो इसी को लेते हुए यहाँ से हम कप्पा निकाल ही सकते हैं। अगर हमें पता है कि जी इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू ए अपॉन एल, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, फिर आते हैं इसके यूनिट में, तो इसकी यूनिट होती है क्या, सीमेंस मीटर इनवर्स। तो हमारा ये टर्म कंडक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टर्म्स को। तो नेक्स्ट टर्म्स है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस में, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल्स को जो है वो तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, कंडक्टर्स, दूसरा है इंसुलेटर्स, तीसरा है सेमीकंडक्टर्स। इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए, ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सब्सटेंसेस
जिनकी की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड और एल्यूमिनियम, है ना। यानी कि अगर हम इन्हें देखें, इन सबको देखें, तो इसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल है और कुछ हमारे मेटलॉइड है। जनरली मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो आपके कंडक्टर के जैसे बिहेव करते हैं, है ना। अब आते हैं इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है या ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनकी की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है, ठीक है, जिसमें कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है और क्या है, रबर है, ठीक। जो तीसरा हमारा सब्सटेंस है वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है समझ लेते हैं। कोई ऐसा सब्सटेंस हो या ऐसा मटेरियल हो जिसमें कि जिसकी की कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कंडक्टर से कम हो लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा हो, है ना, तो उन्हें किस कैटेगरी में रख दिया गया है? उन्हें रख दिया गया है आपके सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में, ठीक। तो ये तीन टर्म्स हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ, आप लोग सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल खुद से देखेंगे, ठीक है, तुरंत जाके देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये हमने तीनों तरह के मटेरियल को भी देख लिया है। अब आते हैं हम हमारे एक लास्ट लास्ट टर्म में, जो कि आप बोनस पॉइंट की तरह समझ सकते हैं, इसका कोई खास यूज नहीं है हमारे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, बट देख लेते हैं सिंगल लाइन में कि ये सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। तो सुपर कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस को कह दिया गया है जिनकी की रेजिस्टिविटी जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो रेजिस्टिविटी, नो रेजिस्टिविटी, नो रेजिस्टेंस, ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या हो? इनफाइनाइट हो। तो ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।